गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास सिक्स के मैथ पीरियड में हैं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने इंटीजर्स के बारे में कुछ पढ़ा था, ठीक है। आज फिर हम लोग इंटीजर्स में आगे थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग की एग्जाम होने जा रही है, तो आप लोग एग्जाम की तैयारी के लिए सिलेबस के बारे में बता दिया था कि एक्सरसाइज वन से लेके एक्सरसाइज सिक्स तक है, फोर तक, एक्सरसाइज वन से एक्सरसाइज फोर तक आपका अभी जो प्रीवियड एग्जाम हमारी होने जा रही है 10 तारीख से, तो इसमें आएगा आपका सिलेबस। तो आप लोग एक्सरसाइज वन से फोर तक की तैयारी बहुत अच्छे से करें, ठीक है। चलिए हम लोग आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं और इंटीजर्स पढ़ते हैं। पिछले क्लासेस में हमने इंटीजर्स के बारे में बताया था कि इंटीजर्स क्या होता है, लेस इंटीजर, ग्रेटर इंटीजर और सब नंबर लाइन वगैरह के बारे में हमने बताया था। आज हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे चलते हुए बढ़ते हैं कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, हम नंबर लाइन पे कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन, ठीक है। पिछली क्लासेस में हमने नंबर लाइन के बारे में बताया था। जैसे आपका क्वेश्चन आता है इसमें, जैसे एग्जांपल वन हम देख सकते हैं क्वेश्चन में कि ऐड प्लस फोर प्लस माइनस सिक्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ऐड करने के लिए हम ऐसे ऐड करेंगे इसको, सॉल्यूशन हमने दिखाया, ठीक है। नंबर लाइन हमने बना लिया, ठीक है। नंबर लाइन हमने समझाया था, नंबर लाइन आपको बीच में आपका जीरो रहता है, लेफ्ट साइड माइनस इंटीजर नेगेटिव इंटीजर रहता है हमारा, ठीक है। एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाता है, इसको एक्स डैश एक्सिस कहेंगे। राइट साइड में हमारा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड सो ऑन, ये एक्स एक्सिस हो गया। हमको अब ये लाना है कि पहले प्लस फोर है, तो हम पहले जीरो से कोई भी साइड करेंगे, जीरो से हमने निकला दिया प्लस फोर को, ये रहा हमारा प्लस फोर हो गया, ठीक है। इसके बाद हमको इसमें ऐड करना कितना, माइनस सिक्स, तो हम इसमें सिक्स काउंट कर लेंगे यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहां हमारा आ रहा है, ठीक है। ये आ गया हमारा, तो हमारा फाइनली ये हमारा हो गया, यानी हमारा कितना हो गया प्लस फोर प्लस माइनस सिक्स इक्वल टू, आंसर हमारा क्या हो गया बच्चों, यहां माइनस टू, ठीक है, क्लियर। एक दूसरा क्वेश्चन हम देख सकते हैं, एग्जांपल टू देख सकते हैं हम। जैसे हमारा आ गया कोई क्वेश्चन के माइनस फोर प्लस माइनस सेवन, सपोज ये हमारा आ गया, ठीक है। अब नंबर लाइन खींचेंगे, हमने नंबर लाइन खींच दिया, ठीक है। हमने बताया आपको बीच में जीरो ले लेंगे हम, हमने जीरो ले लिया यहां, ठीक। राइट साइड में हमने बताया था आपको पॉजिटिव इंटीजर ले लें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाएगा। लेफ्ट साइड में हमने बताया था आपको निगेटिव इंटीजर ले लें, इसको निगेटिव इंटीजर ले लेंगे हम, एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाएगा ये इसी तरह से, ठीक है। अब हमको दिखाना क्या, माइनस फोर पर निकालना है, माइनस फोर हम जो भी है कहां से लाइए, जीरो से हमने पहले बता दिया आपको, जीरो से ही पहले निकालना है, तो ये आपका माइनस फोर हो गया, ठीक है।
अब इसमें ऐड कितना करना है आपको बच्चों, माइनस सेवन। तो हम सेवन माइनस सेवन है, लेफ्ट साइड में काउंट करेंगे, किधर करेंगे, लेफ्ट साइड में सेवन। तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हमारा कहाँ आ गया, इलेवन पे आ रहा है। तो ये हमारा फाइनल हो जाएगा, है ना, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक। इसको हम फोर से दिखलाएंगे, जीरो से नहीं, इसको कहां से इंडिकेट करेंगे हम लोग, फोर से दिखलाएंगे ये और ये, यानी हमारा आंसर कितना हो गया बच्चे, यहाँ माइनस इलेवन, यानी माइनस फोर प्लस कितना, माइनस सेवन इक्वल टू माइनस इलेवन, ये हमारा आंसर हो गया एडिशन का रेशनल नंबर, ठीक है। इसको राइट ऑन कर लीजिए आपको जल्दी से जल्दी, ठीक। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देख रहे हैं, जो ऐड करने में दे देता है सिंपल, ठीक है। नंबर लाइन पे आई थिंक नंबर लाइन पे आप समझ में आ जाएगा, और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दो होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग, नंबर लाइन का एग्जांपल, जैसे थ्री हमने देख ले रहा है, हम देख ले रहे हैं जैसे ले लिया हमारा ए फाइव प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, सपोज ये ले लिया एड ऑन नंबर लाइन, ठीक है। कैसे करेंगे हम सॉल्यूशन, हमने लिखा नंबर लाइन वाले बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, नंबर लाइन को बना रहे हैं, ठीक है। चलिए एक हमने नंबर लाइन खींच दिया, ठीक है। बीच में हम जीरो बताया था, जीरो ले लेंगे हम, ठीक है। इधर एक्स एक्सिस, इधर एक्स डैश ले लेता है हम लोग, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, पहले फाइव, तो फाइव प्लस है, इधर जाएगा हमारा वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन चलाया आगे। नेक्स्ट हमको जिसमें ऐड कितना करना है, माइनस टू, तो टू हम बैकअप लेंगे फाइव के बाद, तो वन टू कितना हो गया हमारा ए, पहले तो इसको हमने देख ला दिया माइनस फाइव हमारा हो गया ये, ठीक है। इसके बाद इसमें हमको टू ऐड करना है, माइनस टू, ठीक। ये हमारा माइनस टू ऐड हो गया, ठीक। यहाँ लिख सकते हैं एड माइनस टू हमने कर दिया। अब इसके बाद हमको कितना करना है बच्चों, माइनस सिक्स ऐड करना है, फिर से कर देंगे हम, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो कहां तक हम आ जाएंगे बच्चों, यहां से कितने लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हो गया हमारा, ठीक। तो अब हम लेंगे कहां से लेंगे, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये तो यहां आ गया, इसके बाद ये हो गया हमारा, यानी फाइनली मेरा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों इसका, तो माइनस थ्री, क्लियर। आई थिंक समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए ठीक, बहुत अच्छा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, इसको राइट अप कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया हमें सिंपल सा ऐड करने के लिए, एक बस करना कुछ नहीं, बस सिंपल ऐड जैसे हम लोग बना रहे थे पिछली क्लासेस में, बस सेम टू सेम उसी तरह से बनाते चले जाएंगे, ठीक। सिंबॉलिक फॉर्म थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे, और बस जैसे हम लोग बना रहे उस तरह से बनाएंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन हमारा दे सकता है एग्जाम्पल फोर में, जैसे दे सकता है हमारा के ऐड करना है, ऐड क्या ऐड करना है, तो माइनस टू हंड्रेड फाइव प्लस माइनस टू हंड्रेड फाइव प्लस सपोज दे दिया हमारा नाइनटी एट, सपोज ये दे दिया, ठीक है, हमको ऐड करना है इसमें, ठीक। तो यहाँ प्लस है तो प्लस 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 ही होता है हमारा। अब ये देखेंगे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस करेंगे इसको, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो इसको माइनस कर देंगे, तो फिफ्टीन माइनस एट कितना हो गया हमारा सेवन हो गया, यहाँ नाइन था, कहेंगे हम नाइन, नाइन माइनस नाइन
जीरो और यहाँ कितना बच गया था हमारा वन। फिर सिंबल हम बड़ा डिलीट कर देंगे, बड़ा डिलीट दोनों में कौन था हमारा ये 315, इसका सिंबल माइनस में है तो हम माइनस दे देंगे, हो गया हमारा यही ऐड हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। यानी सिंबल जब भी देंगे हम तो बड़े डिजिट का देंगे, ठीक है ना, इसी को ध्यान रखिएगा। ठीक, जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे देख सकता है जैसे एग्जाम्पल 5 जैसे हमारा दे दिया कि फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ 147 137 एंड 137 एंड माइनस 354। सपोज दे दिया माइनस 354, इसको क्या करना है, इसको ऐड करना है, हम सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन। अब हमारा क्या है, कितना ऐड करना है 137 ऐड करना है, बस का सिंबल दे दिए, कितना ऐड करना है बच्चों तो माइनस 354। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 137 हो गया। अब ये दे रहे हैं प्लस इनटू माइनस, प्लस माइनस माइनस हमारा होता है, अब यहाँ माइनस कर देंगे 354 हो गया। अब क्या करेंगे 354 से 137 को माइनस कर देंगे, ठीक तो 40 माइनस 7 हो गया, यहाँ पर क्या 4 माइनस 3 1 हो गया, 3 माइनस 1 2 हो गया, यानी क्लियर। अब हमने अभी जस्ट बताया सिंबल हम बड़े डिजिट का देते हैं, इससे बड़ा कौन है, इसका सिंबल प्लस है, इसका सिंबल माइनस है, 354 हमारा बड़ा है, 354 को क्या करेंगे सिंबल माइनस है तो माइनस दे देंगे, यानी हमारा रिजल्ट कितना हो गया माइनस 270। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी, ठीक है, जल्दी से जल्दी राइट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम जो एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, जैसे देता है एडिटिव इनवर्स लिखने के लिए हमारा, ठीक है ना, जैसे देता है क्या लिखे एडिटिव इनवर्स जस्ट उल्टा हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है। जैसे एग्जांपल 6 हमारा आ सकता है कि राइट द एडिटिव इनवर्स, राइट द एडिटिव इनवर्स, जैसे हो गया ऑफ, जैसे मान लेते ए नंबर में दे दिया माइनस 5, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसको एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 5 इज 5। ध्यान रखिएगा बच्चे लोग ऐसे लिख देते हैं माइनस 5 = 5, ये हमारा गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखिएगा, माइनस 5 कभी भी 5 के बराबर नहीं होता, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इसको इस तरह से लिटरेचर में लिख देंगे माइनस 5 = 5 हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बी नंबर, जैसे देख सकते हैं हम बी नंबर क्वेश्चन हो सकता है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ, जैसे हमारा दे दिया यहाँ बी नंबर के 9 दे दिया सपोज, तो हम क्या लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 9 इज माइनस 9, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस भी कर देंगे, बस इतना ही लिखना है इसका हमारा, ठीक है ना, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, फिर राइट डाउन कर लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जैसे प्रेडिसेसर और सक्सेसर के बारे में देता है, ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं ये एग्जांपल हम लोग, ठीक है, तो हम लोग जैसा कि प्रेडिसेसर और सक्सेसर के बारे में पढ़ चुके हैं पहले भी पिछले क्लासेस में भी, ठीक है, और पिछले क्लासेस में आप लोग 4-5 में भी पढ़े होंगे इसके बारे में, इस क्लास में भी हम बताए थे प्रेडिसेसर क्या हो गया, द नंबर दैट कम जस्ट बिफोर ए पर्टिकुलर नंबर, यानी प्रेडिसेसर क्या हो गया डिफाइन एक बार तो सभी के लिए डिफाइन कर लीजिए, फिर से एक प्रेडिसेसर, ठीक है, तो प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा द नंबर दैट कम्स
जस्ट बिफोर ए पार्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड इट्स प्रीडिसेसर, ठीक है, क्या कहा जाएगा, जस्ट बिफोर इट्स प्रीडिसेसर। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं हम के प्रीडिसेसर ऑफ -9 इज -10। ध्यान रखिएगा -9 का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, -10, ठीक है। वी गेट प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर बाय सबट्रैक्टिंग 1, सबट्रैक्टिंग 1, ठीक है। ठीक है, 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सक्सेसर क्या होता है। सक्सेसर तो द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर ए पर्टिकुलर नंबर, इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि सक्सेसर ऑफ -9 इज -8 होगा, ठीक, क्लियर। यानी जीरो को जितना नजदीक पूछेंगे वो होगा हमारा, कैसे, तो वी गेट सक्सेसर ऑफ आवर नंबर बाय एडिंग 1, यानी 1 प्लस करके हम किसी का भी सक्सेसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और आगे बनाएंगे। एसडब्ल्यू सेक्शन की हम लोग आते हैं आप, तो एसडब्ल्यू सेक्शन में आज आप लोग एक्सरसाइज 4B बनाएंगे। एक्सरसाइज 4B ये आपका एसडब्ल्यू में हो जाएगा, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए और आराम से पढ़िए, ठीक है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।